manufacturer and we took test also. So that today we are starting new chapter, that is name of simple equation. Simple equation means आपने study किया होगा primary class में x+2=7. That is simple equation जिसमें आपके पास numerical भी होते हैं, algebraic भी होते हैं, जो आप study करने से previous class आपने algebraic study कर ली है, तो in this में आपको algebraic हम आगे वाले question करते हैं, जब equation दे रखी हो उसको आपको simplify कैसे करना होता है, तो अब जैसे ये लिखा हुआ है, इसको आप क्या ले सकते हैं, इस digit को आप क्या ले सकते हैं, यानी कि any digit या सिंपल से आप और इस फॉर्मूले लिखें डिजिट ऐड बाय 2 देन वी फाइंड 7 और इसी को मैं इसमें लिखना चाहूं तो सिंपल लिख सकता हूं यानी डिजिट ऐड बाय 2 देन वी फाइंड 7 इसी को मैंने लैंग्वेज लिख लिया तो जो आपके पास एक्सरसाइज 6.1 है वो इसी प्रकार से रिकवर करती है कि आपके पास लैंग्वेज दे रखी होगी या इक्वेशन बनाए इक्वेशन दे रखी होगी तो फिर आप क्या बनाए लैंग्वेज बनाए तो ये आपके पास एक्सरसाइज 6.1 है वो बेसिक्स इसी बेस की एक्सरसाइज है जिसमें आपके पास प्रॉब्लम पूछे एडिशन सबट्रैक्शन पूछे तो उसको आपको किस प्रकार से लैंग्वेज में लिखना है और दी हुई लैंग्वेज को आपको इक्वेशन में लिखना है यही हमारी मेन एक्सरसाइज है वो इसी बेस की और लास्ट में एक होगा तो कंपेयर करना है और रही बात इनको सॉल्व करने की इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी 7 आ जाए तो हम 6.2 में सॉल्व करेंगे ठीक है तो उससे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं इक्वेशन कैसे मेक होती है और कैसे उसको सॉल्यूशन किया जाता है तो जैसे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6.1 का a का है तो 2 टाइम्स m इज 7 तो 2 टाइम्स m इज 7 सिंपल इक्वेशन होती है यानी m प्लस m लिखो या 2m प्लस लिखो एग्जैक्ट राइट होगा आंसर यही आपके पास फर्स्ट क्या आंसर है जैसे इसमें से मैं सारे नहीं बताऊंगा बाकी आप सारे सेल्फ ट्राई करते हो एक बना दी क्या इक्वेशन ही बना जैसे कि आपके पास द डिफरेंस बिटवीन m एंड 7 इज 3 डिफरेंस बिटवीन m एंड 7 इक्वल टू 3 सिंपल इक्वेशन और लास्ट अगर 1 की j बताए इफ यू सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम अ नंबर यू गेट 7 5 फ्रॉम 6 टाइम जैसे 6 टाइम minus 5 equal to if you subtract 5 from 6 time then times number you get 7 तो ये आपको इस प्रकार से इक्वेशन इक्वेशन क्या होती है बनानी होती है इस प्रकार से आप सिंपल से जैसे कि आपको क्वेश्चन h दे रखा है तो h वाला आप कैसे करेंगे इसमें से द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3 नंबर m डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 3 तो इस प्रकार से आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि आप दिए हुए लैंग्वेज से कैसे इक्वेशन बना सकते हैं अब रही बात क्वेश्चन नंबर 3 है उसको आपको क्या करना होता है चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर राइट है या रॉन्ग है ठीक है तो ये हम स्टडी करते हैं इसकी इसमें से हम आपको एक क्वेश्चन दो ही बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं ए या सी 10y माइनस 2 इक्वल टू 15 जैसा आप y दे रखा है y की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 7 रखो यहां पे y क्या है 10 के मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना निकल आंसर 50 70 माइनस 2 इक्वल टू 50 देन आंसर क्या आ रहा है 68 क्या ये बहुत इक्वल है नहीं है तो नॉट इक्वल टू दैट y की वैल्यू 7 नहीं हो सकती ये आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपको सारे इस प्रकार से क्या करना है वेरीफाई कर दें या फिर आप एक और क्वेश्चन बता देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का h 4p माइनस 2 इक्वल टू 18 है एंड p की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सॉल्व करें p की 5 4 5 जा 20 अब आंसर हो जाएगा तो 18 इक्वल टू 18 तो इसमें क्या सकते हैं कि p की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5 की वैल्यू पुट अप हो सकती है ये आपको क्वेश्चन सेकंड वेरीफाई करना है और क्वेश्चन नंबर 3 है वो करनी है आपको कन्वर्ट इनटू स्टेटमेंट जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ था कि 2 टाइम्स m इज 7 तो आपको लिखना है 10 a 10 डैश a इज 70 आपको सिंपल बन जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको सेल्फ लैंग्वेज करके ही लिखना है इसमें आपको कुछ बदलने जरूरत नहीं क्योंकि इसमें आप
मैथमेटिकल लाइफ में रखी है जिसको आपको कन्वर्ट करना है लैंग्वेज फॉर्म में। हम रही बात बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको इक्वेशन के साथ साथ सॉल्व नहीं करना है, जस्ट लेट अस ऐसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको फोर्थ का ए बताता हूं, जैसे कि सर्वेंट्स फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सर्वेंट, तो हमने लेट अस लेट सर्वेंट इज is equal to x और बाबा servant's father is 3 times as a servant, तो father size कितनी होगी, father is equal to 3x हो गई, क्योंकि 3 times क्या आता, sum of their age is 56, तो sum of their is equal to x plus 3x equal to 56, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, तो take servant's age as a x, तो servant ने x measure किया, फादर से कितनी होगी 3x और वापस दोनों ऐड करके कितनी टोटल होनी चाहिए 56, तो आपके पास लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी 4x इक्वल टू 56। यही आपको इक्वेशन बनानी है, आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इसमें x वेयर फाइंड करके कितना आया आंसर 4 4 4 4 16, यानी x सरण के सीधे जाएगी 16, चलो इसको आप सॉल्व भी कर लेते हैं, तो देन x इक्वल टू 56 अपॉन 4, आंसर कितना आ गया 1 और 14 आपके पास एक्स वैल्यू आएगी 14 और 14 और आपस कंपेयर करें 14 इसमें लिखा 14 3 जा 42, तो आप पास दोनों इक्वेस करेंगे यहां सपोज कैसे वैल्यू पुट अप करें 14 प्लस 42 कितना आ जाएगा, सर फिर से वेरीफाई हो रहा है, यही आपकी क्या बन जाती है इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो पहले आपके आगे वाले क्वेश्चन आएंगे वो स्टार पे आएंगे, बताइए व्हाट इज एज ऑफ सर्वेंट, इसमें जस्ट आपने इक्वेशन बताने के लिए कहा था तो आपकी इक्वेशन यहां तक बन जाती है, बट सॉल्व करने के कहेगा तो आपको एक स्टेप और करना होगा, आपको सॉल्व भी करना होगा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे हैं उसमें आप किसी प्रकार से मेजर करते हो, आपको जस्ट यहां तक ही करना है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, अब जैसे आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड हिंट दें तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ, लेंथ को मान सकते हैं किसने वापस का है कि टेक विड्थ इज बी मानना है, विड्थ को बी माना हमने तो वापस क्या हो जाए 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स बी, लेंथ इज रेक्टेंगल ऑफ 3 टाइम्स विड्थ बी, तो लेंथ इज आएगी 3b और ये हो जाएगी बी, और वापस क्या रहा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 96, तो 3b प्लस बी ब्रैकेट आउट 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 96, ये आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 सी एंड डी की भी है, वही आपको इक्वेशन बताना है, आपको लिखा हुआ भी है कि लोएस्ट स्कोर को एल मानना है या स्मॉलेस्ट को आपको एम मानना है, इसमें हिंट लाइन दे रखी है आपको, इसी एक्सरसाइज के साथ आप 6a है जो आपको सेल्फ ट्राई करनी है और इसका आपको होमवर्क भी कंप्लीट है, मस्ट आप सबमिट करेंगे ताकि आपको इसमें कंप्लीट हो सके कि आपको कितने आंसर सारे सारे कंप्लीट समझ में आए हैं, तो आपके एक्सरसाइज 6a है, तो आप पढ़ के नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखेंगे किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, यही मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, सो दैट आप इस एक्सरसाइज कंप्लीट करें, एनी डाउट आपको पास आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं जब भी आप टाइम मिले, सो दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग।